मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। इसके पहले आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार करेगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि निकाय चुनाव में हम सिलेक्टिव स्थानों पर ही चुनाव लड़ें, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को टक्कर देने की तैयारी की जा रही है। उधर कांग्रेस ने संसद से सड़क तक महंगाई और GST सहित देश की कई समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने महंगाई से त्रस्त जनता की आवाज बुलंद की। उधर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने बीजेपी द्वारा तिरंगा अभियान चलाए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा की जीत है, इसके चलते देर सवेर संघ और बीजेपी ने तिरंगा फहराने का अभियान चलाया है। ऐसे अभियान का भी स्वागत करते हैं। उधर राजधानी में 7 अगस्त को ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से ज्योतिष और पंचांगकार आएंगे। इसके अलावा गैस पीड़ितों को कैंसर का इलाज उनके लिए चलाए जा रहे अस्पतालों में ही मिले, इसके लिए सरकार प्लानिंग और व्यवस्था दोनों पर जोर दे रही है। आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी है, लिहाजा नगरीय निकाय चुनावों में पार्टी ने पूरे देश की बजाय चुनिंदा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरे प्रदेश में प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए युवाओं को तरजीह दी जाएगी, वही संगठन के विस्तार पर भी जोर दिया जाएगा। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि अगले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प बनने की तैयारी पार्टी द्वारा की जा रही है। आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहती है, लेकिन कई जगह से हम अपने कार्यकर्ताओं की कमी की वजह से हम अपने प्रत्याशियों को नहीं उतार पाए। काफी जगह से शिकायत आई, हम तो आम आदमी पार्टी को वोट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था। हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और उसी संगठन को मजबूत करने की दिशा में हमारा प्रयास है कि 2023 के अंदर हम जनता के सामने मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को देखते हुए जनता के रूप में विकल्प के रूप में खड़े हो और जनता विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को चुने, ऐसी हमारी आशा है। और हमें पूर्ण रूप से जिस तरह से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से लोग पार्टी से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। उधर महंगाई और GST सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया। राजधानी भोपाल में भी इसको लेकर कांग्रेसियों ने रोशनपुरा स्थित जिला कार्यालय से पैदल मार्च किया, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। दरअसल कांग्रेसी राजभवन तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें काफी पहले ही रोक लिया। इस दौरान कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प भी हुई। बाद में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह सहित सभी विधायक और पार्टी पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर गोविंद सिंह ने महंगाई पर केंद्र को जमकर कोसा। समूचे देश में हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना और बच्चों के और आम आदमी गरीब के भोजन पर जो डाका डालने का काम किया GST के माध्यम से, इस सब के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में ब्लॉक से लेकर जिला और भोपाल की राजधानी में हम लोग राजभवन में का घेराव करने के लिए अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन देने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस ने मोदी सरकार की मुहिम हर घर तिरंगा को कांग्रेस के विचारों की जीत बताया है। पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने कहा है कि जो लोग आजादी के समय से तिरंगा लगाने से कतराते थे, आज वे ही घर घर तिरंगा लहराना चाहते हैं। ये कांग्रेस के विचारों की जीत है और इसके लिए वे बीजेपी और संघ को साधुवाद देते हैं। दरअसल जीतू ने एक तरह से संघ परिवार और बीजेपी द्वारा तिरंगे से दूरी बनाए रखने के बाद अब इसे अपनाने का स्वागत किया है। राहुल गांधी जी ने जो झंडा लगाया वो इस देश में स्थापित किया कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के विचार ने, कांग्रेस के आचार ने, कांग्रेस के व्यवहार ने। हम उन देशभक्तों ने जिन्होंने शहादत दी इस देश के लिए, आज़ाद कराया इस देश को, तिरंगा का सम्मान करना कांग्रेस पार्टी ने सिखाया उन लोगों को जो अभी तक तिरंगा नहीं लगाते थे। आज अगर पूरे देश में तिरंगे की बात होती है उसका स्वागत है, सत्कार है, उसके लिए साधुवाद है। कांग्रेस की जीत हुई, देश के संविधान की जीत हुई। जो लोग तिरंगा नहीं लगाते थे वो लगाने लगे, इसका मतलब है कांग्रेस अपने विचार को लेके पास हुई। कांग्रेस ने जो विचार दिया था देश को और जो लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे वो सुधरे, स्वागत है इस पूरी कहानी का। राजधानी भोपाल में 7 अगस्त को ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस सम्मेलन में काशी, बनारस, मथुरा, अयोध्या, उज्जैन सहित तमाम धार्मिक नगरियों और देश के बड़े शहरों से जुड़े सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजकों की माने तो इस तरह का आयोजन हमारी सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने और ज्योतिष के महत्व को आमजन तक पहुँचाने की कोशिश के तौर पर देखा जाए।
सात अगस्त को ज्योतिष सम्मेलन में अयोध्या, मथुरा, काशी, दिल्ली, मुंबई इत्यादि के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंचांगकार राजधानी भोपाल में पधार रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है स्वस्थ संस्कृति का पुनरुत्थान करके अखंड भारत का निर्माण। ज्योतिष में हमारे बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिससे हम पुरानी प्राचीन पुरातन संस्कृति को जीवित करके राजधानी भोपाल के गैस पीड़ितों को कैंसर के इलाज के लिए यहां वहां ना भटकना पड़े, इसके लिए सरकार राजधानी में संचालित अस्पतालों में ही अलग से इसके इलाज की व्यवस्था करने जा रही है। विभागीय मंत्री विश्वास सारंग ने इसको लेकर कहा है कि एक प्लानिंग के तहत गैस राहत एवं पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे हॉस्पिटल या ओपीडी में इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, जहां इलाज की सारी सुविधाएं गैस पीड़ितों को मिलेंगी। गैस पीड़ितों के उचित इलाज के लिए हम समुचित व्यवस्थाएं करें और हमने ये भी प्लान किया है कि अब हम जल्द से जल्द भोपाल में गैस राहत विभाग के माध्यम से एक कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना करेंगे। और हमने ये निश्चित किया है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसी में ये व्यवस्था शुरू करेंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को नए बनाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं, जल्द से जल्द उसकी पूरी हम प्लानिंग रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं और जल्द से जल्द हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम कैंसर का इलाज गैस पीड़ितों का हमारे गैस राहत के जो अस्पताल हैं उन्हीं में शुरू करें। एक व्यवस्थित कैंसर अस्पताल हम भोपाल में शुरू कर रहे हैं।